डेंगू फीवर में क्या करना चाहिए? क्वेश्चन है, डेंगू फीवर में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, डेंगू फीवर से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अनेकों लोग NLS को फॉलो करके अपना डेंगू फीवर ठीक कर चुके हैं, आप भी बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे हम दूसरे फीवर को ठीक करने के लिए जो जो प्रिकॉशंस लेते हैं, जो जो करते हैं, वही डेंगू फीवर में करना है। जैसे ही आपको पता चल गया कि डेंगू फीवर है, आपने NLS का वाइट चार्ट फॉलो करना है। कुदरत की तरफ से हमारी भूख को मार दिया जाता है बुखार की अवस्था में। हमें सच्ची भूख होती ही नहीं है, मन की भूख हो सकती है, उसको नहीं सुनना है। वाइट चार्ट फॉलो करें, घूंट घूंट करके सबसे पहले पानी पर रहें, जल आचमन उपवास, एक दिन, आधा दिन, डेढ़, दो दिन, जितनी देर आप रह सकते हैं। जब आपको लगे कि अब मैं रह नहीं सकता तो नारियल पानी ले लें, या सफ़ेद पेठे के रस में आधा पानी मिला के ले लें, या खीरा टमाटर धनिया पत्ते का पत्ता का रस ले लें। तीन तीन चार चार घंटे के बाद, जिनमें दिन में दो तीन चार बार आप लिक्विड डाइट पे रह सकते हैं दो तीन दिन के लिए। इसके साथ साथ सुबह शाम NLS का नॉन वायलेंट एनीमा लेना है। कैसे लेना है इसकी वीडियो हमने आपको शेयर कर दी है, आप हमारे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं। पेट की पट्टी आधे आधे घंटे के लिए NLS अबडोमिनल बेड पैक, NLS पेट की पट्टी, इसकी वीडियो भी आप YouTube चैनल पे देख सकते हैं। इसको दिन में चार बार लगाना है। यदि गला खराब है तो गले के ऊपर पट्टी लगा सकते हैं। फीवर है, सिर में दर्द तो होगा ही, तो एक पट्टी आप सिर के ऊपर भी लगा सकते हैं। जब डेंगू फीवर आता है उन्हीं दिनों में हरा आंवला भी आता है, हरे आंवले का रस, ताकि आपकी प्लेटलेट कम ना हो जाए। दो आंवले सुबह, दो दोपहरे, दो शाम। कद्दूकस करें, मलमल के कपड़े में, बारीक कपड़े में डाल के निचोड़ दें, और फिर उसका रस, दो आंवलों का रस सुबह, दो आंवलों का रस दोपहर, दो का शाम। यदि आपके प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो आंवलों का रस लेना शुरू करें। यदि आपके अंदर छः आंवलों का रस रोजाना जा रहा है तो हमारे एक्सपीरियंस में अक्सर देखा गया है कि आपके प्लेटलेट कम नहीं होंगे। कई बार प्लेटलेट कम होते रहते हैं, उससे डरना नहीं। 20,000 से ऊपर ऊपर तक कोई भी खतरे वाली बात नहीं होती। यदि कहीं से ब्लड नहीं आ रहा तो एक बार प्लेटलेट कम होते हैं 50,000-60,000 तक जाके फिर वापस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये लिक्विड डाइट प्लस आंवले का रस, पट्टी, अनीमा, ये सब करें, थोड़ा रेस्ट करें, आपका डेंगू फीवर दो तीन चार दिन के अंदर अंदर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप ग्रीन चार्ट पे आ जाएं, NLS का ग्रीन चार्ट। जितने दिन लिक्विड डाइट ली उतने दिन ग्रीन चार्ट रहना है। ग्रीन चार्ट का मतलब लिक्विड डाइट प्लस कच्ची सब्जी, पके फल। उसके बाद आप अपने सामान्य भोजन पे आ सकते हैं। इस तरीके से आप डेंगू को ठीक कर सकते हैं। यदि आपका प्लेटलेट 20,000 से नीचे जाते हैं या कहीं से ब्लड आता है तो फिर आपको एलोपैथी की सहायता लेनी पड़ सकती है।